दोस्तों, जब भी किसी शुभ काम या किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले प्रथम पूजिए गणेश जी भगवान को याद किया जाता है, जो विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है, सौभाग्य, बुद्धि और ज्ञान के दाता है। इनके संपूर्ण पृथ्वी लोक में कई प्रसिद्ध मंदिर और स्थान है, और इन्हीं गणेश मंदिरों में सबसे यूनिक अपने में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर के जंगलों में स्थित भगवान गणेश का एक ऐसा मंदिर जहां पर गणेश जी के त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र है, और साथ ही अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां पर विराजते हैं। यहां दूर दूर से जो भक्त यहां पर नहीं आ पाते, वो प्रभु को पोस्ट के द्वारा लेटर्स, कार्ड्स, इन्विटेशन के साथ अपनी परेशानियों को लिखकर भेजा करते हैं। तो चलिए आपको इस चैनल के मंदिर सीरीज के एपिसोड 2 के माध्यम से दर्शन करवाते हैं राजस्थान के फेमस प्राचीन गणेश मंदिर के, साथ ही यहाँ पर कैसे पहुंचा जाए, यहाँ की हिस्ट्री और कई इंटरेस्टिंग बातें। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं डोरनो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर साउथ में सवाई माधोपुर सिटी के रणथंभौर फोर्ट यानी किले में स्थित है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए सबसे आसान तरीका है ट्रेन या बस करके। बस स्टैंड और स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, और स्टेशन से जीप्स और कैब मिल जाएगी जो सिर्फ 50 रुपए में ड्रॉप कर देगी, क्योंकि मंदिर जाने का सेम रूट है जो रणथंभौर नेशनल पार्क और रणथंभौर फोर्ट को जाता है, इसलिए जीप्स आसानी से मिल जाती है। गणेश मंदिर का एरिया नेशनल पार्क के एरिया से होता है, इसलिए शाम होने के बाद प्रवेश यहाँ पर वर्जित है, और इसी वजह से यहाँ सुबह जल्दी 4 बजे से ही जीप्स लग जाती है शाम 5:30 तक। स्टेशन से नॉर्थ की तरफ 6 किलोमीटर चलने के बाद एंट्री होती है शेरपुर चेक पॉइंट के कॉमन गेट से, जो रणथंभौर फोर्ट और नेशनल पार्क भी जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे ड्राइव करने के बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, रणथंभौर फोर्ट का पार्किंग एरिया। यहाँ तक वैसे आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी ला सकते हैं। 11 किलोमीटर जीप के सफर के बाद मंदिर के लिए 1 किलोमीटर अगला सफर पैदल चलना होता है रणथंभौर फोर्ट के अंदर से होते हुए, जिसमें इसके 4 गेट्स और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग या चलने में असमर्थ है तो उनके लिए पालकी की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। ऊपर मंदिर पर पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं ये सुंदर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित ये एरिया, जो चारों तरफ रणथंभौर नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जो करीब 1580 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर बिल्कुल रणथंभौर फोर्ट यानी किले की मोटी मोटी दीवारों से सटा हुआ है। फोर्ट के वेस्टर्न पार्ट में दीवारों के उस तरफ नेशनल पार्क का जोन 2 भी है। वैसे यहाँ पर ऊपर प्रसाद के लिए मोदक और लड्डू की लोकल शॉप्स भी मौजूद है। इसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं मुख्य गर्भगृह में मौजूद भगवान गणेश जी के त्रिनेत्र अवतार के, जिनके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ विराजमान है। साथ ही इनके वाहन मूषक भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा में गर्दन, हाथ, पैर या शरीर का कोई भी पार्ट मौजूद नहीं है, केवल त्रिनेत्र गणेश वाले मुख के अलावा। दोस्तों, गज वंदनम चितियम में विनायक के तीसरे नेत्र का वर्णन किया गया है, और दुनिया में ऐसा मंदिर ये एक ही है जहाँ पर गणेश जी तीसरा नयन धारण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र उत्तराधिकारी स्वरूप पुत्र गणेश जी को सौंप दिया था, जिससे महादेव की सारी शक्तियाँ गजानन में समूहित हो गई थी। मंदिर की मुख्य गणेश प्रतिमा बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, जो पहाड़ से स्वयंभू प्रकट हुई थी, जिसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण करौली के रेडस्टोन को यूज करके यहाँ के चौहान राजा हमीरदेव चौहान ने 1300 एडी में करवाया था। यहाँ मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियाँ होती है, जिसमें आप शामिल हो सकते हो। पहली प्रभात आरती अर्ली मॉर्निंग में, दूसरी श्रृंगार आरती सुबह 9 बजे, तीसरी भोग आरती दोपहर 12 बजे, चौथी संध्या आरती गर्मियों में 6:30 बजे और सर्दियों में 5:45, पांचवी और आखिरी शयन आरती जो रात 8 बजे होती है। इस मंदिर का उल्लेख हमें त्रेता युग में भी मिलता है, जब प्रभु श्री राम लंका की ओर जाते समय उन्होंने भगवान गणेश का त्रिनेत्र अवतार का ही अभिषेक किया था। इसके अलावा द्वापर युग की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कृष्णा रुक्मणी विवाह के समय कृष्ण भगवान ने सबको इन्वाइट यानी न्योता दिया था, बट उन्होंने गणेश जी को नहीं बुलाया। सोचा कि वो बहुत मोटे हैं और सारा खाना वहाँ पर खा जाएंगे, और जब गणेश जी को पता चला तो उन्होंने अपने सवारी मूषक जी को कृष्ण भगवान की शादी में जाने वाले रास्ते में छोड़ दिया। तभी कृष्णा के रथ जिस रास्ते से जाने वाले थे, वहाँ की मिट्टी मूषक जी ने खोखली कर दी थी, जिससे उनका रथ मिट्टी में धस गया था। जिसके बाद कृष्ण जी ने अपनी गलती मानी और गणेश जी से ये कहा कि कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद कृष्ण रुक्मणी का विवाह का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को ही भेजा गया था, जो इसी रास्ते में पड़ता था, और ये गाथा आज भी चली आ रही है।
लोग आज भी दूर दूर से किसी भी शुभ कार्य से पहले, स्पेशली शादी विवाह के कार्ड, सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर को ही आमंत्रित करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि जो भक्त यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाते, वो यहाँ पोस्ट यानी डाक के द्वारा ढेरों इन्विटेशन कार्ड भेजा करते हैं, देश के अलग अलग कोनों से, वो भी अलग अलग भाषाओं में। शादियों के सीजन में तो हर दिन यहाँ 50 kg से ज्यादा कार्ड्स आते हैं और इन सबको यहाँ के पुजारी गणेश जी को पढ़कर सुनाते हैं। इसी वजह से कई लोग इन्हें विवाह वाले गणेश जी भी कहते हैं। साथ ही यहाँ फसल का कुछ भाग चढ़ाने पर अच्छी फसल भी होती है। वैसे शादियों के कार्ड के अलावा यहाँ लोग अपनी कई परेशानियाँ, निसंतान, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन और आदि कई समस्याओं को लिखकर भेजा करते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी सबके दुख विघ्नहर्ता है। आप में से भी किसी को कोई चिट्ठी या कार्ड भेजना हो तो इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर, राजस्थान, पिन कोड 32001। ये मंदिर रणथंबोर किले के ऊपर होने के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हर बुधवार और अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर किसी मेले से कम नहीं होती। कहते कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य भी यहाँ पर बुधवार को दर्शन करने आते थे। अब क्योंकि ये मंदिर फोर्ट की दीवार से बिल्कुल सटकर बना हुआ है, इसलिए भक्तों को परिक्रमा देने के लिए पूरे रणथंबोर किले की 10.5 किलोमीटर की परिक्रमा देनी होती है, जो भक्त आसानी से कर लेते हैं भगवान के नाम से इन रणथंबोर के घने जंगलों में भी। अब आप सोच सकते कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को यहाँ किस तरह का भव्य मेला लगता होगा, जब पूरा सवाई माधोपुर भक्तों से खचाखच होता है। गणेश चतुर्थी को यहाँ हर साल हाजिरी देने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। कई तो यहाँ दूर दूर से दंडवत पैदल ही आते हैं, जिनके लिए यहाँ पर जगह जगह निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था होती है। और उस समय यहाँ श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कई नई रोडवेज चलाई जाती है। रणथंबोर के जंगलों पर टाइट सिक्योरिटी लगा दी जाती है किसी भी तरह की असुविधा के लिए। और श्रद्धालु यहाँ गणेश जी के दर्शन के साथ डीजे पर नाचना और रणथंबोर में आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम और कई कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। सो ये था रणथंबोर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में एक डिटेल वीडियो। और अगर आप गणेश जी जा रहे हो तो आप यहाँ पर रणथंबोर का किला और रणथंबोर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी जरूर से कीजिएगा, जिन पर हमारे चैनल पर डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। जय हो गणेश जी की। जय हिंद।